कैसे हैं आप लोग? आज हमारा अल दरसुल अव्वल जीन सूरह अनफाल आयात 20-28। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 20 और 21। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतीउल्लाहा व रसूलहू व ला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्माउन व ला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समेना वहुम ला यस्माउन। ए ईमान वालो, खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी ना करो और तुम सुनते हो, और उन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं कि हमने हुक्म खुदा सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। हमने पिछली आयतें पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि बिलाशुबा अल्लाह ताला मुसलमानों के साथ है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अल्लाह ताला का तुम्हारे साथ होना महज तुम्हारे मुसलमान कहलाने और नाम का मुसलमान होने की बिना पर नहीं, बल्कि इसके लिए भी दो शर्तें हैं। जब तक तुम वो शर्तें पूरी नहीं करोगे तो तुम्हें अल्लाह ताला की मदद हासिल नहीं होगी। सबसे पहली शर्त क्या है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल इत्तबा करना, उनकी इताअत और फरमा बरदारी करना। दूसरी शर्त क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर उससे रूगर्दानी ना करना, यानी हुक्म अदूली ना करना। जब तक मुसलमान इन दोनों बातों पर अमल करते रहे, अल्लाह ताला की मदद उनके शामिल हाल रही और वो बेसरो सामानी के बावजूद दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों को सरनगु करने में कामयाब रहे, वो फाते रहे। और फिर फरमाया कि तुम उन लोगों जैसे ना हो जाना जो कहते हैं कि हमने हुक्म खुदा सुन लिया और समझ लिया मगर हकीकत में ना उन्होंने कुछ सुना और ना ही समझा। यहाँ उन लोगों से मुराद काफिर और मुनाफिकीन लोग हैं। ये दोनों ग्रोह जो हैं गौर व फिक्र से और सही समझ से महरूम हैं, इसलिए इनका सुनना भी ना सुनने के हुक्म में है। मुसलमानों को ऐसे लोगों की मुशाबहत इख्तियार करने से मना किया गया है, उनसे मुशाबहत से इज्तनाब करना चाहिए। आयत नंबर 22 और 23। इन्ना शर्रत दवाबे इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याकिलून वलो अलिमल्लाहु फीहिम खैरन ला स्माहुम वलो अस्माहुम लतवल्लो वहुम मोरेदून। कुछ शक नहीं कि खुदा के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते, और अगर खुदा उनमें नेकी का मादा देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर बगैर सलाहियत हिदायत के समात देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। इस आयत में उन लोगों की शदीद मुज़म्मत की गई है जो ना तो हक की बात सुनते हैं तवज्जो के साथ, ना हक की बात तवज्जो के साथ वो लोग सुनते हैं और ना ही उसको कबूल करते हैं। तो ऐसे लोगों को जानवरों से भी बदतर करार दिया गया है, क्योंकि इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतर वो चौपाए हैं जो हक को सुनने से बहरे हैं और उसको कबूल करने से गूंगे हैं। अगर बहरे और गूंगे में कुछ अकल हो तो वो भी इशारों से अपने दिल की बात समझा देते हैं और दूसरों की बात को भी समझ लेते हैं, मगर ये लोग तो बहरे और गूंगे होने के साथ साथ बेअक्ल भी हैं। जाहिर है कि जो बहरा हो गूंगा हो
और बेअक़ल भी हो तो उसको समझाने का कोई इम्कान नहीं होता, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसके अमल और इताहते हक के सिले में उसे अशरफुल मखलूकात और कायनात का सरदार बुजुर्ग और काबिले ताजीम बनाया गया है। लिहाजा जो लोग हक की तलब और हक को कबूल करने की सलाहियत जिनमें ना हो, तो ऐसे बकबक लोग जो हैं हक को सुनने के बाद भी हिदायत पर आते हैं ना ही हिदायत पर आते हैं, और अपनी जाहिरी कानों से सुनने के बाद भी ऐसे लोग बेरुखी बरतते हैं। इसलिए ये लोग जानवरों से भी बदतर हैं। आयत नंबर 24 बेटा, अब स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, आप अपने बुक में भी देखिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ दुआ लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलू बैनल मरई वक़ल्बिही वअन्नहू इलैहि तुहशरून। मोमिनो, खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कबूल करो, जबकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको जिंदगी जाविदा बख्शता है। और जान रखो, ये खुदा आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है, और ये भी कि तुम सब उसके रूबरू जमा किए जाओगे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर मोमिनों को मुखातिब करके फरमाया है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की फौरी तामील व इताअत की ताकीद फरमाई है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इस्लाह और मसलहत की खातिर कोई हुक्म दें तो तुम उसको फौरन कबूल कर लो और उसकी तामील हुक्म में जल्दी करो। इस आयत में जो मैंने अभी पढ़ी, इसमें जिस हयात और दिल की जिंदगी का जिक्र है, उससे मुराद ये है कि बंदा और अल्लाह ताला के दरमियान गफलत और नफसानी ख्वाहिशात के जो हिजाबात जो पर्दे हाई हैं वो हट जाएं, और इन हिजाबात से उनकी जुल्मत दूर होकर उनकी जगह मार्फत दिल में जगह कर ली, यानी हमारी नफसानी ख्वाहिशात की जगह नूरे मार्फत हमारे दिल में जगह अपनी बना ले। तर्मजी और निसाई में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाह से रिवायत है कि एक रोज हजरत अबी बिन काब रज़ियल्लाह नमाज पढ़ रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी तरफ गुजर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दी तो वो जल्दी जल्दी नमाज पूरी करके हाजिर खिदमत हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पुकारने पर फौरन आने से तुम्हें किस चीज ने रोका? हजरत अबी काब रज़ुल्ला ने अर्ज किया, मैं नमाज पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें उसकी खबर नहीं हुई जो मुझ पर नाजिल हुआ? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू। हजरत अबी काब ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आइंदा मैं इस कोताही को नहीं दोहराऊंगा इंशाल्लाह, ख्वा नमाज की हालत ही में हूँ। इस आयत के दूसरे हिस्से में बताया गया है कि जब किसी नेक काम के करने या गुनाह से बचने का मौका आए तो उसको चाहिए कि उस वक्त को गनीमत जानते हुए नेक काम फौरन कर ले जो कि वो करना चाहता है,
या उस गुनाह से फौरन किनारा कश हो जाए जिससे के वो बचना चाहता है। लिहाजा इस आयत से मतलब हमें यही निकलता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम की तामील में देर नहीं की जाए, बल्कि उसको फौरन कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ताखीर के सबब नेकी दिल में जो नेकी का जज्बा और उमंग पैदा हुई थी वो बाकी ही ना रहे। आयत नंबर 25 बेटा। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा वालमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब वस्करू इत अंतुम कलीलुन मुस्तदअफूना फिल अर्ज़े खाफूना अन यतखत्तफा कुमुन नासु फआवाकुम व यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत्तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। और उस फितने से डरो जो खसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाके ना होगा जो तुम में गुनाहगार हैं, और जान रखो कि खुदा सख्त अजाब देने वाला है। और उस वक्त को याद करो जब तुम जमीन मक्का में कलील और जयीफ समझे जाते थे और डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उड़ा ना ले जाएं, यानी बेखानुमाल ना कर दी, तो इसमें तो उसने तुमको जगह दी और अपनी मदद से तुमको तकवियत बख्शी और पाकीज़ा चीजें खाने को दी ताकि उसका शुक्र अदा करो। इस आयत में मोमिनों को अल्लाह ताला ने कि उस आजमाइश से डराया गया है कि जो नेक लोगों को में और गुनाहगार सब के लिए है, कि जब लोग ऐलानिया तौर पर बुराइयों में मुब्तिला हो जाएं और अहले इल्म व फजल अपनी कुदरत रखने के बावजूद ना तो बुराई में लोग मुब्तिला लोगों को जो लोग बुराई में मुब्तिला हैं उनको बुराई से बात रखने की के लिए कुव्वत इस्तेमाल करें, ना उन जुबान से उनको रोकें और ना ऐसे लोगों से मेल जोल खत्म करें, तो ऐसी सूरत में अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब आया तो वो सिर्फ मुनकिरात का इर्तिकाब करने वालों ही पर नहीं होगा, यानी जो लोग मुनकिर हैं उन्हीं पर ही नहीं आएगा, बल्कि नेक और बद सब उसमें मुब्तिला हो जाएंगे। लिहाजा जो शख्स अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए देख कर भी कुदरत रखने के बावजूद, यानी वो इतनी सलाहियत रखता है कि वो उस बुराई के बारे में बोल सकता है, लेकिन वो नहीं इसको रोकेगा, उस बुराई को नहीं रोकेगा और उसका दिल उस पर रंजीदा भी नहीं होगा, बल्कि उस पर वो खामोशी इख्तियार करेगा, तो अल्लाह ताला नाफरमानों के साथ उसको भी अजाब देगा। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि नेक कामों का हुक्म दिया करो और बुरी बातों से फौरन रोक दिया करो, लोगों को खैर की तरफ बुलाओ, वरना तुम सब अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। और ये अजाब इस नवयत का होगा कि शरीर लोग तुम्हारे हाकिम बना दिए जाएंगे, फिर तुम में से अच्छे लोग भी दुआ करेंगे तो वो दुआ कबूल नहीं होगी। आयत नंबर 26। आयत नंबर 26। या अय्युहल्लज़ीना बस आयत नंबर 26 बेटा, वस करू इज अन तुम कलील उन मुस्तद अफूना फिल अर्ज अर्ज तखाफुना ये तखतफकुम ना सोफा वकुम वही यदकुम बेनस रही वरजा का कुम न तो ये बात लाल लकुम
तश्कुरून, इस आयत में अल्लाह ताला, इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनों को वो वक्त याद दिलाया है जब सरजमीन मक्का में वो तादाद के एतबार से बहुत कम थे, कमजोर थे, नातवां थे, खाइफ थे, करीब थे और नादार थे तमाम कफार और मुशरिकीन। उनकी किल्लत, तादाद और ज़ूफ और अदम की अदम कुवत, यानी उनमें इतनी कुवत नहीं थी कि सबब उनके कत्ल के दर पे थे। उनको हर वक्त कुफार और मुशरिकीन की तरफ से धड़का लगा रहता था कि कहीं वो उनको नोच खसोट ना लें। एक अरसे तक यही हालत रही, फिर अल्लाह ताला ने उनको मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया, उन्हें रहने के लिए ठिकाना मिला। अल्लाह ताला ने ज़ईफ और नातवां लोगों की किल्लत को कसरत में, ज़ोफ को तवानाई, ज़ोफ और नातवानी को कुव्वत में, फिकर फुकर और अफलास को खुशहाली में बदल दिया और उन पर पाकीज़ा हलाल रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए। उनके लिए माल गनीमत हलाल कर दिया जो कि साबका उम्मतों के लिए हलाल नहीं था। अपनी ताईद और नुसरत से उनको दुश्मनान इस्लाम, जो कि इस्लाम के दुश्मन थे, उन पर गलबा दिया और दुश्मन को उनके सामने जलील ख्वार कर दिया। फिर उनको हकूमत और सल्तनत ही अता नहीं की बल्कि वो लोग बादशाहों पर हुक्म चलाने लगे। ये सब इसलिए किया ताकि वो इन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आयत नंबर 27 और 28। या अय्युल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह व रसूलहु व तखूनु आमनातकुम वान तुम तालमून वालमु अन्नमाम वालुकुम वौलादुकुम फितनतुन वान्नल्लाहा इंदहु अजरुन अजीम। ए ईमान वालो, ना तो खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमानत में खयानत करो और ना ही अपनी इमानतों में खयानत करो, और तुम उन बातों को जानते हो और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है और ये कि खुदा के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनों को मुखातिब करके ये बताया है कि ईमान का तकाजा ये है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें तुम पर फर्ज की हैं उनमें कमी नहीं करो, ना ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा अमूर में कमी करो और ना आपस की अमानतों में खयानत करो। हालांकि तुम जानते हो कि इमानत की हिफाजत ज़रूरी है और खयानत करने का बड़ा वबाल है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के फ़राइस को तर्क करना अल्लाह ताला से खयानत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत है। अल्लाह ताला के वो फराइज और आमाल जो लोगों की नज़रों से पोशीदा हैं और जिनका अमीन अल्लाह ने बंदों को बनाया है, वो इंसानों की अमानतें हैं, उनमें भी कोताही ना करो। और फिर फरमाया कि तुम्हारा माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। अल्लाह ताला माल और औलाद देकर तुम्हें आजमाता है कि तुम माल के हसूल पर उसका शुक्र बजा लाते हो या नहीं, और औलाद की जिम्मेदारियां पूरी करते हो या नहीं, या माल और औलाद की मोहब्बत में अल्लाह से गाफिल हो जाते हो।
अगर तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरोगे तो अल्लाह ताला के पास तुम्हारे लिए अजर अजीम है। बुखारी शरीफ में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक के वो मुझे अपनी जान, अपने अहलो अयाल और अपने माल और सब लोगों से ज्यादा महबूब ना जाने। बेटा, ये आज का हमारा सबक था सूरह अनफाल का, जिसमें के हमने आयात पढ़ी है बेटा 20 से लेके 28 तक। अल दरसुल अव्वल जीम सूरह अनफाल आयात 20 से 28 थी। इनका काम मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। रोजाना जो काम, रोजाना बेटा जो काम आपको दिया जा रहा है उसको